भाई साहब, ये रास्ता कहाँ जाता है? रास्ते कहीं नहीं जाते, आपको कहाँ जाना? You are a case of chronic insomnia. अगर नींद नहीं आना एक बीमारी है तो मैं कई सालों से बीमार हूँ। हॉरर फिल्म लुप्त का ट्रेलर और एक सॉन्ग आज दिल्ली में लॉन्च किया गया। ये फिल्म इसी शुक्रवार रिलीज होने वाली है और इस फिल्म के प्रमोशन के लिए दिल्ली में फिल्म की पूरी स्टार कास्ट मौजूद थी। इस फिल्म के बारे में बात करते हुए फिल्म के निर्देशक प्रभु राज ने कहा कि उन्होंने ये फिल्म जब लिखनी शुरू की थी तब उनका मकसद इसे हॉरर फिल्म बनाने का बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन फिल्म की स्क्रिप्ट लिखते लिखते ये फिल्म हॉरर बन गई। लिखना शुरू कर दिया तो ये कहानी बन गई अपने आप में और सुपरनैचुरल थ्रिलर बन गई। और बिकॉज इसको हमने हॉरर जॉनर नाम दिया है, सुपरनेचुरल थ्रिलर हमने इस फिल्म को कहा है, तो लोगों को ऐसा लगता है कि अच्छा ये डराने आ रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम डराने नहीं आ रहे, हम एक अच्छा सिनेमा, अच्छी फिल्म बनाइए और हम कहानी के माध्यम से, कैरेक्टर के माध्यम से हम एक अच्छी फिल्म पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। बस ये डिफरेंस इतना है कि ये सुपरनेचुरल थ्रिलर है। जंगल में शूट कर रहे थे तो वहाँ थोड़ा स्केरी था मामला, बिकॉज वहाँ पे जंगली जानवर आते रहते हैं और जाते भी रहते हैं, तो वैसा था, तो उससे फियर तो थोड़ा सा लगता है। बाकी इतना नहीं होता, बिकॉज हमको पता होगा छोटे छोटे सीन्स होते हैं ना, तो फिल्म के अंदर कई सारा आप देखते हैं, जब फिल्म कर रहे होते तो ऐसा नहीं होता कि भाई खुद ही डर रहे, वैसा नहीं। भूतों पर भरोसा करते हैं आप? आपको लगता है कि इस फिल्म को देखने के बाद कहीं ना कहीं लोगों का भरोसा सुपरनेचुरल पार में बढ़ेगा या नहीं? यार कुछ चीजें भरोसा करने न करने के बियॉन्ड होती है, आप उनको भरोसा करें या न करें वो हैं, वो होती हैं, आप मत मानो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो इतनी बड़ी है और आप छोटे भी कहना, मतलब आदमी यही कितना यार है। इस फिल्म में मुख्य किरदार में जावेद जाफरी, विजय राज, करण आनंद और मीनाक्षी दीक्षित जैसे मंझे कलाकार हैं। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि फिल्म दर्शकों को जरूर पसंद आएगी। इस फिल्म को लेकर उत्साहित विजय राज और जावेद जाफरी ने कहा कि फिल्म शुद्ध हॉरर फिल्म है, इसमें किसी तरह का कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया है। ये एक कहानी है, टिपिकल फॉर्मूला नहीं, जो लोग बोलते हैं ना कि भाई यहाँ पे थोड़ा रोमांस हो जाएगा, यहाँ पे आइटम नंबर हो जाएगा, यहाँ गाने हो जाएंगे, सो इसमें मेरे हिसाब से 6 लीड कैरेक्टर्स ये भी है, बिकॉज हर कैरेक्टर पे कहानी, ये नहीं है कि ये मेन, देखो मेन इस पिक्चर में कोई मेन नहीं है, पिक्चर में कहानी मेन है और सारे कैरेक्टर्स जो है वो इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो ये मुझे बड़ी अच्छी लगी बात कि कहानी एक एंसेंबल कास्ट, एक जो टीम है वो आगे बढ़ा रही कहानी को। भूत भी एक कैरेक्टर है जो आप कहेंगे, और भूत एक वर्ड दे दिया है बट एक जो भी उसका एक डेफिनेशन आप कहेंगे, तो ये मुझे अच्छी लगी इस फिल्म में जो इन्होंने अप्रोच किया कि एक कहानी आगे बढ़ रही है और उसको किस तरह से ये कैरेक्टर्स डिफाइन कर रहे हैं उस कहानी को, और इनके बीच एक रात में क्या होता है और किस तरह से ये कैरेक्टर टूटते हैं, इनका रिएक्शन क्या होता है एक दूसरे की तरफ, ये बहुत खूबसूरत बात है जो डायरेक्टर ने इस फिल्म में पेश करने की कोशिश की। बड़ा आसान था कि भैया इनका रोमांस है तो रोमांटिक एक सीन डाल दीजिए, कुछ सेक्सी सीन डाल दीजिए, कुछ आइटम सॉन्ग डाल दीजिए, वो इस फिल्म में हमने किया नहीं है, और ये बहुत अच्छी बात है और नई बात है कि एक बार आप कहानी में घुसते हैं तो कहानी के साथ चलते हैं, ये नहीं कि अब हाँ यार थोड़ा रिलीफ चाहिए, थोड़ा हंसा दो, हाँ थोड़ा यार अब यहाँ तो रोमांस, नो, ये दैट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस फिल्म कि आप कहानी में और जू पकड़ के चलती है, फुली इन्वॉल्व कर लेते। पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद, इतना ओवरवेलमिंग है, आप लोग सब इतना इन्वॉल्व होके बात कर रहे हैं, इट्स अमेजिंग, थैंक यू सो मच। और जहाँ तक रही चैलेंजेस की बात, ऑनेस्टली मैं बताऊँ, ये भी काम किया है बट ये फिल्म इट वॉज, दिस जर्नी इज बीन इनक्रेडिबल ऑफ शूटिंग विद दिस टीम, हमें पता ही नहीं लगा, रात भर शूट करते थे, जंगल में शूट करते थे, बट बॉन्डिंग हम एक्टर्स के बीच में भी बहुत अमेजिंग थी, एज अ टीम वी वर ऑल ऑन द सेम पेज, तो चाहे वो डर से डील करना हो, वो भूख से डील करना हो, अंधेरे से डील करना हो, स्क्रिप्ट से, सो देयर वाज, वी वर इन कंप्लीट सिंक वी एज अ टीम, सो चैलेंजेस बिकेम नेग्लिजिबल, वो कहीं दिखे नहीं।
as such. We were just having fun, and that was important, and that's why I guess the results, what I see is incredible, because all of us are on the same page and we have enjoyed working together. हॉरर फिल्मों का ट्रेड वैसे तो हॉलीवुड फिल्मों में ज्यादा दिखाई देता है, लेकिन ये फिल्म दर्शकों को कितना पसंद आती है ये वक्त बताएगा। भारत चौहान, दिल्ली।